आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। थैंक ओके थैंक यू डॉक्टर विवेक, यू। थैंक यू। अभी एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। ठीक है, आ रहा है। शेयर हो गई जी? हाँ, जी शेयर हो जी मैम। सर्वप्रथम इस वेबिनार में उपस्थित समस्त विद्याजनों को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 31/10/2020 रोग निदान एकेडमी के इस सिंगल लेक्चर सीरीज के इस प्लेटफॉर्म पर ये मौका देने के लिए मुझे आप सभी आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद। आज मेरा टॉपिक है अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द्वादश परीक्षा। वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सारी परीक्षाएं वर्णित हैं और द्वादश परीक्षा के नाम से ये परीक्षा जो है वो संहिता में नहीं मिलती है, तो इसलिए एकदम अगर द्वादश परीक्षा नाम दिया जाता है तो थोड़ा सा स्ट्राइक होता है कि अरे द्वादश परीक्षा क्या बात हो रही है, कौन सी परीक्षा की बात हो रही है। वास्तव में जो इसके सारे कंटेंट्स हैं, द्वादश जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, 12 इसके जो है फैक्टर्स है जो परीक्षा के लिए उपयोगी बताए गए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्याधि की जब चिकित्सा की जाए तो रोगी के बल और व्याधि के बल के बारे में जानना, इन फैक्टर्स के आधार पर ही निर्भर होती है चिकित्सा की सफलता और चिकित्सा की असफलता। आयुर्वेद ने बहुत सारी परीक्षा रोग और रोगी परीक्षाएं वर्णित की है डिफरेंट डिफरेंट संहिताओं में, जैसे द्विविध परीक्षा में प्रत्यक्ष और अनुमान लिया गया, त्रिविध परीक्षा में प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश, फिर दर्शन स्पर्शन प्रश्न की बात की गई, फिर चतुर्विध परीक्षा में इसी त्रिविध परीक्षा में प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश में युक्ति जोड़ दिया गया, षडविध परीक्षा भी जो आचार्य सुश्रुत ने ही वर्णित किए, पंच ज्ञान इंद्रिय और प्रश्न परीक्षा आ जाती है, फिर अष्टविध परीक्षा जो कि योग रत्नाकर में वर्णित है, नाड़ी मूत्र मल जिह्वा शब्द स्पर्श द्रव आकृति, इसके ऊपर भी हमारे इस सीरीज में व्याख्यान हो चुके हैं। दशविध परीक्षा जो आचार्य चरक ने वर्णित की है, प्रकृति विकृति सार संहनन प्रमाण सात्व्य सत्व आहार शक्ति व्यायाम शक्ति व्यय, और द्वादश परीक्षा नाम से नहीं वर्णन है, लेकिन जब सुश्रुत ने सूत्र स्थान के अध्याय 35 में आत्मोत्क्रमणीय अध्याय का वर्णन किया, वहां उन्होंने ये 12 फैक्टर्स बताए जिसको जो है एक तरह से हम कह सकते हैं द्वादश परीक्षा के नाम से आचार्य सुश्रुत ने जो है ये वर्ण नहीं दिया है। तो इस द्वादश परीक्षा के अंतर्गत आता है आयु व्याधि अग्नि व्यय ऋतु देह बल सत्व सात्म प्रकृति भेषज और देश, तो इसके ही इसका जो है बारे में ही हम लोग अब बात करेंगे। तो द्वादश परीक्षा जहाँ पे 12 फैक्टर्स की परीक्षा है और आचार्य सुश्रुत डिस्क्राइब द्वादश परीक्षा इन सूत्र स्थान चैप्टर 35 आत्मोक्रमणीय अध्याय, और इसमें इन्होंने एक तरीके से क्या है, एक टूल है हमारा आयुर्वेद का टूल, क्योंकि आज एंशियंट टाइम में तो ऐसे टूल्स नहीं होते थे कि हमने जो है ग्लूकोज टेस्ट कर लिया, ये टेस्ट कर लिया, क्रिएटिनिन टेस्ट कर लिया, वहां तो जो टूल बताए गए हैं प्रश्नोत्तरी पर और उसके व्यवहार पर, उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेज कैसी है, उसी के आधार पर हम हेल्थ और डिजीज की कंडीशंस को जो है वो समझते थे और जानने की कोशिश करते थे। तो वास्तव में द्वादश परीक्षा जो इम्पोर्टेंट टूल है टू असेस द फिजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल के बारे में ये सारी चीजें जानने का। इसके अलावा इट अलाइट्स द पाथ टू अंडरस्टैंड द रोगी बल, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड रोग बल स्ट्रेंथ ऑफ द डिजीज। इस परीक्षा के द्वारा दो प्रकार की चीजें जो है हमें कि रोगी कितना बलशाली है, रोगी किस किस चीजों को सह सकता है, उसकी चिकित्सा किस प्रकार से की जाए कि हमें सक्सेस मिले, और साथ ही साथ रोग बल की भी हमें स्ट्रेंथ को समझना होगा कि जो रोग है वो किस प्रकार का है, वो कितना बलशाली है, ये चीजें भी जो है हमको इसमें देखनी पड़ेंगी और इसके द्वारा हमको पता चलती है। तो लेकिन जब द्वादश परीक्षा की बात कही तो आचार्य ने बात कहा सत्व आयुषी व्याधि, मतलब उनका कहने सत्य आयु की उनका कहने का अर्थ है कि किसी भी परीक्षा को करने से पहले
किसी भी परीक्षा को करने से हमें आयु को जानना हो, मतलब किसी भी थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को प्रेस्क्राइब करने के पहले, किसी भी थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को अप्लाई करने के पहले, चाहे हमें पंचकर्म करना हो चाहे मिश्रण कर्म करना हो, ये आवश्यक है कि हम जो है पेशेंट की जो है द्वादश परीक्षा के आधार पर उसका आयु का निर्धारण करें। और आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है, इसकी उपयोगिता क्यों है, योग रत्नाकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि यदि व्यक्ति की आयु शेष है, यदि व्यक्ति आयुवान है, तो उसमें आप कोई भी चिकित्सा करेंगे, औषध, मंगल, मंत्र, अन्य कोई भी विविध प्रकार की जाय करेंगे, वो सिद्धि होगी। लेकिन यदि व्यक्ति गतायु हो गया है तो वह सिद्ध नहीं होगी। तो इसलिए आचार्य ने हमको बताया कि पहले हम परीक्षा करें कि जो रोगी है वो किस प्रकार, उसकी आयु दीर्घायु है, मध्यम आयु है, अल्प आयु है, इस चीज का असेसमेंट जो है वो बहुत ही अधिक जरूरी है। तो आचार्य सुश्रुत ने जो आयु परीक्षा की वैरायटीज बताई, आयु जो है उसको तीन भागों में डिवाइड किया कि जो लाइफ स्पेन है उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। व्यक्ति दीर्घायु हो सकता है, मध्यम आयु हो सकता है और अल्प आयु हो सकता है। और उसको अप्रोक्सीमेट उन्होंने जो है वो 100 वर्ष और मध्यम आयु वाले को लगभग 70 वर्ष का और अल्पायु वाले के लिए लगभग 25 वर्ष जो है वो बात कही है कि इतना वर्ष तक व्यक्ति जीवित रहता है। और अगर हम इस चीज को एसेस कर पाए कि ये रोगी जो है वो दीर्घायु वाला है या मध्य आयु वाला है तो अल्प आयु वाला है, तो निश्चित रूप से हमें चिकित्सा में सफलता मिलेगी, हम जो है चिकित्सा और ज्यादा विश्वास के साथ कर पाएंगे। तो उसके लिए ऐसे कौन से क्राइटेरिया है जिसके द्वारा हम ये एसेस कर पाए कि रोगी जो है वो दीर्घायु है, कौन सी आयु है उसकी, तो इसके लिए आचार्यों ने जो है वो इस तरह के कुछ लक्षण उन्होंने बताए हैं। क्राइटेरिया टू एसेस द लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल्स आर एज फॉलोज, दिस पेशेंट शुड बी ट्रीटेड विद एफर्ट्स। उसमें क्या है उन्होंने बताया, कुछ चीजें बताई कि बिग होनी चाहिए, कुछ जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, कुछ डीप होनी चाहिए। तो बिग में उन्होंने बताया कि अगर जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, उसके बिग हैंड, फीट, फ्लैंक्स, बैक, टिप ऑफ द ब्रेस्ट, टीथ, फेस, शोल्डर, आर्म, फोरहेड, ब्रॉड गोज के साथ है, आईज, यदि ये सारी चीजें बिग हैं। अब देखने से पता चल रहा है, लेकिन फोरहेड के लिए मैं यहाँ पर एक मेजरमेंट आपको बताना चाहूंगी। जैसे फोरहेड का मतलब है कि हम कैसे देखेंगे फोरहेड को, तो बहुत सरल होता है, आप सभी इस प्रमाण से परिचित हैं, अंगुल प्रमाण, स्वयंगुल प्रमाण लेते हैं हम लोग। तो फोरहेड का जो प्रमाण आया गया वो 4 अंगुल बताया गया। यदि आप रोगी से कहें कि वो अपनी चारों उंगलियों को ऊपर की ओर अपने आईब्रो से, अपर आईब्रो जो है, अपर साइड, अपर मतलब लाइन जो है उसकी, उस पर रखे, और फिर जो आपकी जो सबसे लास्ट वाली फोर्थ फिंगर है, वो फिंगर यदि उसकी स्कैल्प की जो हेयर लाइन है उसके और उस फोर्थ फिंगर के बीच में यदि स्पेस बचता है, इसका मतलब फोरहेड बड़ा है, और यदि वो स्पेस नहीं बचता है तो छोटा है, और अगर बिल्कुल फिट बैठता है तो उसका मतलब जो है वो जो प्रमाण सामान्य बताया गया, शास्त्रोक्त प्रमाण बताया गया, वो प्रमाण जो है वो उपस्थित है। इसके साथ साथ ये बात थी बिग की, शॉर्ट उसके काफ्स, पेनिस, नेक, और डीप वॉइस होनी चाहिए, डीप अम्बिलिकस होना चाहिए। इसके अलावा जो फिंगर जॉइंट्स, एक्सप्रेशन और स्पेस बिटवीन द ब्रेस्ट जो है, यदि ये सारे जो स्पेसेस होनी चाहिए वो लॉन्ग होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ जो है वो लक्षण बताए गए, उन्होंने बताया कि ब्रेस्ट आर नॉट ग्रेटली एलिवेटेड बट आर फर्म, ईयर एंड बैक ऑफ द हेड आर वेल ग्रोन, हेयरी, और उसके बाद जब आफ्टर बाथ जो है, यदि पेशेंट बाथ लेता है तो उसके बाद में उसका हेड रीजन जो है वो पहले ना सूखता हो, बाद में जो है वो हार्ट का रीजन जो है वो सूखता हो। ये जो सारे असेसमेंट किए गए जो पीछे मैंने बताए, ये सारे दीर्घायु के लिए, यदि इस तरह के असेसमेंट किसी भी व्यक्ति में मिलते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वो हमारे शास्त्रोक्त विधि से यदि देखा जाए तो वो दीर्घायु वाला व्यक्ति है। अब जो है बात बताई गई मॉडरेट लाइफ स्पैन के लिए, या कौन से व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी आयु मध्यम होती है, तो उन व्यक्तियों के लिए बताया गया शास्त्र में कि अक्ष के नीचे 2 या 3 लाइनें हो, यहाँ मैंने पिक्चर से पिक्चराइज करने की कोशिश की है, इस तरह की जो लाइनें यदि हमें दिख रही हैं रोगी में। इसके अलावा उसके फीट, ईयर मोर मस्कुलर हो, टिप ऑफ द नोज थोड़ी सी एलिवेटेड हो,
और बैक पर यदि वर्टिकल लाइनें अपीयर हो रही हैं, तो ऐसा लगता है, तो हम मान सकते हैं कि जो रोगी है, जो व्यक्ति आतुर है, उसका एज जो है लगभग 70 इयर्स की होगी। इसके बाद बात आती है अल्प आयु की, या जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन है उसको हम कैसे समझेंगे। तो जो दीर्घायु के हमारे क्वालिटीज बताई गई, क्वालिटीज अपोजिट ऑफ द दीर्घायु जो होगी शुड अंडरस्टूड एज अल्प आयु। तो उसी से संबंधित कुछ बताए हैं, इसके अपोजिट जैसे शॉर्ट जॉइंट, बिग पेनिस, चेस्ट हैविंग हेयर, लेकिन वो हेयर कैसे हो, सर्किल में वर्ल लाइक यदि होंगे तो जो है उनको हमें अल्पायु व्यक्ति से मान सकते हैं, जिसकी बैक बहुत ब्रॉड ना हो, ईयर और नोज जो स्लाइटली अपर साइड में हो नॉर्मल पोजिशन के, और जब व्यक्ति बात करता हो, लाफ करता हो, हंसता हो, बोलता हो, उस समय गम्स जो हो उसके विजिबल हो, तो हम ऐसे व्यक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है वो शॉर्ट अल्पायु होगा, शॉर्ट लाइफ स्पैन वाला होगा और विल सर्वाइव ओनली फॉर 25 इयर्स। अब बात यहाँ पर आती है, ये लक्षण आचार्यों ने दिए फिजिकली जो देख सकते हैं हम सामान्य रूप से, कि दीर्घायु वाले व्यक्तियों के क्या लक्षण होंगे, मध्यम आयु वालों के क्या लक्षण होंगे, अल्पायु वालों के। लेकिन इन्हीं लक्षणों को हम कैसे पहचाने, कैसे हम ये असेसमेंट करें कि वो बड़ा है या छोटा है, तो इसके लिए आचार्यों ने बात की प्रमाण की, क्योंकि उन्होंने कहा कि पुनर्आयुषो विज्ञान अर्थम अंग प्रत्यंग प्रमाण सारानुप देक्ष्याम। कहने का मतलब है उन्होंने जो बताया आयुषो विज्ञान, मतलब विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, आयु का यदि हमें और अधिक ज्ञान जानना है, आयु के बारे में यदि हम और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि उसकी आयु की क्या स्थिति है, तो हमें उसके अंग प्रत्यंग के प्रमाण पर और उसके सार पर भी जो है वो ध्यान देना पड़ेगा, उसको भी जो है हमको समझना पड़ेगा। आचार्यों ने प्रमाण जो है वो दो तरह से वर्णित किए उसमें शास्त्रों में, एक अंगुल प्रमाण की बात की उन्होंने और एक अंजुल प्रमाण की बात की। तो अंजुल प्रमाण जो है एक तरह से नॉन मीट्रिक पैरामीटर है जो उन्होंने धातु के लिए और दोष के लिए बताया प्रमुख रूप से, और अंगुल प्रमाण की बात की उन्होंने जो कि मीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम जो है वो अंगुल के द्वारा जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है या उसका सर्कमफेरेंस है, इन सारी चीजों को नापा जा सकता है। तो व्हाट इज अंगुल प्रमाण, इन एंशिएंट डेज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ डिफरेंट अंग प्रत्यंग वाज मेजर्ड बाय यूजिंग द फिंगर। इस टेक्निक को, दिस टेक्निक ऑफ मेजर्ड इज मेजरमेंट जो है वो अंगुल प्रमाण कहलाती है। अब बात प्रश्न ये उठता है कि अंगुल प्रमाण तक तो ठीक है, लेकिन अंगुल किसका, किसकी अंगुली? तो जिस व्यक्ति का हम प्रमाण जानना चाहते हैं, यानी कि हम बात फिर करेंगे उसके स्वयंगुल प्रमाण, उस व्यक्ति के खुद के अंगुल प्रमाण की। अब हम इसे कैसे नापे, स्वयंगुल प्रमाण को हम किस प्रकार से देखें, तो यह हमें ये बताने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। ये जो है मेजरमेंट ऑफ अंगुल, ये वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से यदि हम चारों फिंगर्स को देखें, इसमें जो है जो सबसे छोटी वाली फिंगर है, लिटिल फिंगर है, उसका जो डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट और जो ये इंडेक्स फिंगर है उसका प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल जॉइंट के बीच में यदि आपने वर्नियर कैलिपर्स को लिया और उसकी सहायता से आपने उसको मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट के बाद यदि उसको आप 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो है अप्रोक्सीमेट स्वयं अंगुल प्रमाण की स्थिति को बताता है। ये जो अंगुल प्रमाण है, ये जो है एक स्टैंडर्ड टेक्निक बन चुकी है, क्योंकि ये जो है CCRAS का जो प्रकृति असेसमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, उस स्टैंडर्डाइजेशन में अंगुल प्रमाण की जब बात हुई तो इस तरीके से नापने के लिए बताया गया है। तो ये जो है हम नापते हैं। अब बात आती है किसका, कौन सा हाथ नापेंगे, भाई लेफ्ट साइड भी है तो जो सामान्य रूप से राइट हैंड का लेंगे, लेकिन जो पर्सन लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका जो है वो लेफ्ट हैंड का अंगुल प्रमाण लिया जाएगा। तो स्वयंगुल प्रमाण इज कंसीडर्ड एज ए लेंथ ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल जॉइंट स्पेसिफिकली कंसीडर्ड ऑफ राइट हैंड, इन राइट हैंडेड पर्सन राइट हैंड एंड इन लेफ्ट हैंडेड पर्सन लेफ्ट हैंड इज कंसीडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्वयंगुल प्रमाण। तो इस तरह से जो है हम स्वयंगुल प्रमाण की से नापेंगे। अब आचार्यों ने बात की अंग और प्रत्यंग की, प्रत्यंग की, तो वहां पर उन्होंने संपूर्ण शरीर के
सिक्स विभाग बताए, छह अंग बताए प्रमुख रूप से, और इनके जो फिर सब डिवीजन है उनको पितृ की उपाधि दिखा दी गई। और ये जो सिक्स विभाग बताए गए शरीर के, दक्षिण ऊर्ध्व शाखा राइट अपर एक्सट्रीमिटी, वाम ऊर्ध्व शाखा लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, दक्षिण अधाशाखा राइट लोअर एक्सट्रीमिटी, वाम अधाशाखा लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी, अंतरादि या मध्य शरीर जिसे ट्रंक कहा गया, शिर और ग्रीवा जिसे हेड एंड नेक। ये जो है अंगुल प्रमाण जो सामान्य रूप से बताए गए हैं, जो यहाँ पर मैंने खाली सुश्रुत के लिए हैं, तो ये पादांगुष्ठ, ये मैं पास कर रही हूँ ये स्लाइड्स, इस तरीके से जो है ये प्रमाण बताया गया है। पादांगुष्ठ जो है, यहाँ आयाम का मतलब जो है, आयाम का मतलब लंबाई से है, विस्तार का मतलब चौड़ाई से है, और परिग्रह का मतलब मोटाई या सर्कमफेरेंस से है। तो किस तरह से पादांगुष्ठ है, प्रदेशिनी है, ये दो दो अंगुल के होते हैं, फिर एक बटे पांच अंगुल, 1/5 जो होता है वो कम होता चला जाता है, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, फिर पादतल जो बताया वो 4 अंगुल आयाम बताया, 5 अंगुल जो है विस्तार बताया, पार्श्वी का 5 अंगुल आयाम बताया, 4 अंगुल विस्तार बताया, पाद बताया, प्रपाद बताए। इस तरह से जो है इसको फिर लोअर लिम में जानू का जो है परिग्रह बताया 14 अंगुल का, उरु और जानू का आयाम लंबाई यानी कि 50 अंगुल, जंघा की 18 अंगुल, गुल्फ का परिग्रह बताया 14 अंगुल, उरु का 18 अंगुल आयाम, और 32 अंगुल जो है वो परिग्रह बताया। इसी प्रकार से अपर लिम्ब की अंगुष्ठ और कनिष्ठिका, इन दोनों की जो है वो 3.5 अंगुल का आयाम है, प्रदेशिनी और अनामिका उसकी 4.5 अंगुल, मध्यमा 5 अंगुल, हस्तल 6 अंगुल, हस्त जो है वो 24 अंगुल। इस प्रकार से जो है अलग अलग पार्ट बताया, ये सारे जो है मेजरमेंट्स बताए हैं, चिमुक, दशन, आनन, नासापुत, कर्णमूल, नैनात, अंतर, ललाट, ग्रीवा, नासापुत, तारक, ट्रंक, मेहन, महानाभि, पट्टी, स्त्री पूर्व, ये सारी चीजें जो है वो बताई गई है आचार्यों ने उसके अनुसार। अब जब हम टोटल मेजरमेंट करते हैं अंगुल से, तो सुश्रुत ने लंबाई बताई 120 अंगुल की, और चरक ने जो है पुरुष की लंबाई 84 अंगुल बताई, और जो ब्रेथ थी यानी कि व्यास है, व्यास कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि जो व्यक्ति है वो दोनों हाथों को खोलकर खड़ा हो जाए, तो जो राइट की मिडिल फिंगर है और जो लेफ्ट की मिडिल फिंगर है, वहां से लेके वहां तक उसकी जो है वो कितना मेजरमेंट होगा वो बताया है। ब्रेथ का मतलब यहाँ पर ये है 84 अंगुल। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि एक ही व्यक्ति है, उसकी आइडियल लेंथ चरक ने 84 बताई और इन्होंने हाइट 120 अंगुल की बताई, तो ऐसा कैसे संभव है? तो इसके लिए जो है जब आप टीका में देखें, तो टीका में आचार्य ने बताया डर की सुश्रुत ने जो लंबाई की गणना की है वो प्रमुख रूप से यदि व्यक्ति जो है अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ा हो जाता है और हाथ को पूरा ऊपर करके खड़ा होता है, तो अपर पॉइंट से लेकर नीचे के पॉइंट तक की जो लंबाई आती है वो आती है, दैट इज द 120 अंगुल प्रमाण। जबकि चरक ने जो है सामान्य रूप से जो व्यक्ति यदि खड़ा है उससे जो लंबाई होती है उसकी बात कही है, तो चरक ने जो है की बात कही है। तो आयाम और विस्तार, उसको जो ब्रेथ है उसको हमने विस्तार वर्ड कहा है, तो किसी भी व्यक्ति की जो हाइट है उसे आयाम नाम दिया गया, और विस्तार या ब्रेथ उसे आर्म स्पान नाम दिया गया। तो हाइट ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड एज आयाम एंड ब्रेथ, इट मींस डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द, यहाँ पर दिखाने की मैंने कोशिश की है फिगर के द्वारा, इट मींस डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड to the tip of the middle finger of the left hand is part is विस्तार। तो अगर चरक के अनुसार ये दोनों ही चीजें इक्वल है, आयाम भी और विस्तार भी, if the आयाम और विस्तार of a particular person is approximately equal, he will have longevity of life with good बल, ओज, सुख, ऐश्वर्य and वित्त। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर ऐसा मिलता है, 84 अंगुल प्रमाण की ही उसकी लंबाई है, 84 अंगुल की ही उसका विस्तार है, यानी कि सम प्रमाण, इसे ही नाम दिया गया सम प्रमाण। जब हम स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा पढ़ते हैं तो वहां भी पढ़ते हैं सम प्रमाण की बात। तो ये जो है ऐसा व्यक्ति अच्छे बल का, अच्छे ओज का,
सुख का ऐश्वर्य ऐश्वर्यशाली होता है और वित्त मतलब धनवान होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है ऐश्वर्य होता है उसका चरित्र। तो ये जो है कुछ थोड़ी सी बातें, संपूर्ण बात तो इस लेक्चर में नहीं समाहित हो सकती प्रमाण से संबंधित भी, फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने इसमें कहने की कोशिश की। तो यहाँ तक बात हुई प्रमाण की, लेकिन प्रमाण भी अपने आप में आयु के बारे में बता रहा है, दीर्घायु के बारे में इससे संबंधित सारी चीजें बता रहा है, लेकिन सार के द्वारा यदि हम सार की भी गणना करते हैं, प्रमाण के साथ साथ हमें सार को भी समझना होगा कि सभी लोग परिचित हैं कि जो आयुर्वेद है प्रमुख रूप से दोष धातु मर्म पर आश्रित है, तो वास्तव में उन सातों धातुओं की क्या स्थिति बॉडी के अंदर, यदि वो सातों धातुएं अपने विशुद्धतम स्वरूप में है, विशुद्धतम मतलब सा विशुद्ध जो भाव होता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो एसेंस है, तो इसका मतलब जो है रोगी निश्चित रूप से जो है वो बलवान है। तो सार से हमें पता चलता है, सार गिव द नॉलेज ऑफ डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, यदि सार प्रेजेंट है दो आठों प्रकार के, तो ये निश्चित है कि वह व्यक्ति जो है प्रमुख रूप से जो है बलवान होगा, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ होगी और वो दीर्घायु युक्त होगा। The person endowed all the sars are very strong, have possessed good endurance and self-confidence in initiating all the action, balanced movement, deep voice, slow aging and slow pathogenic process. तो ये सारी conditions जो है वो उत्तम सार वाले व्यक्ति में मिलेंगी, और जिनमें ये सार नहीं होगा, those having no essence have opposite character. तो एग्जामिनेशन जो है सार का बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ ये जो है हमें खाली हम बॉडी को देख के, कोई व्यक्ति यदि एकदम फिट सा दिख रहा है उसको देख के हम ये जज कर ले कि ये व्यक्ति जो है बलवान होगा, तो उसका रॉन्ग जजमेंट को भी जो है ये एक्सक्लूड कर देता है। एग्जामिनेशन ऑफ सार इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द रॉन्ग जजमेंट ओनली बाई लुकिंग एट बॉडी। तो सार जो है वो प्रमुख रूप से आठ प्रकार के बताए गए, सातों धातुओं के सार, और उन सारों का भी जो सार है वो जो है वो एक प्रकार से सत्व सार है, और यही जो है यही हमारा जो है वो मेंटल स्टेटस यानी कि मानसिक बल को भी दर्शाता है, ये मानस बल के लिए है। और जो धात्विक सार है, धातु के जो सारे सार हैं, वो हमारे जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करते हैं, और इस प्रकार से संपूर्ण रूप से मिलकर ये आठों प्रकार के सार जो है वो स्ट्रेंथ को बताते हैं कि रोगी की स्ट्रेंथ कितनी है, रोगी का बल कितना है। तो सत्व सार यानी कि पर्सन्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ माइंड, ऐसे व्यक्ति जो है जिनका स्मृति भक्ति प्रज्ञा शौर्य शुचि और शुभ कार्यों में संलग्न रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सत्व सार युक्त माने गए हैं। यानी कि स्मृति का मतलब जिनकी मेमोरी बहुत गुड है, भक्ति का मतलब डिवोशन में है, और प्रज्ञा इंटेलिजेंट है, शुचि क्लीनलीनेस है जिनमें, शौर्य जिसमें ब्रेवरी है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जो है सत्व सार युक्त मानते हैं। और इसके अलावा एक और सर्व उन्होंने लक्षण दिया आचार्यों ने कि जो सदा ही शुभ कार्यों में संलग्न रहते हैं, कहने का मतलब ये है वह दूरदर्शी है, वे जानते हैं, उनको नॉलेज है कि आज यदि हम ये कार्य करेंगे तो इसका शुभ रिजल्ट क्या होगा, आने वाले फ्यूचर में किस तरह का रिजल्ट मिलेगा और कैसे लोगों को फायदा होगा। यानी कि सत्वसार पर्सन आर सत्वगुण प्रधान, दे हैव प्रज्ञा नॉलेज रखते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड रेडी फॉर डूइंग वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड देयर वर्क इज ऑलवेज इन पब्लिक इंटरेस्ट, उनका हमेशा शुभ कार्य होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सत्वसार युक्त बताए जाते हैं। नेक्स्ट आता है शुभ सार, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दिखने में स्निग्ध होते हैं, वेल ग्रोन और व्हाइट कलर उनकी बोन्स हैं, व्हाइट कलर टीथ है, यहाँ पर बर्ड आया है, विशुद्ध दांत होते हैं, विशुद्ध दांत का मतलब एकदम व्हाइट कलर टीथ जिनके हैं, नेल्स भी व्हाइट कलर, और मोर ऑफ सेक्स डिजायर एंड ऑफ स्किन, ऐसे पर्सन को जो है हम शुक्रसार समझते हैं, शुक्रसार व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं। फिर बात आती है मज्जासार, मज्जासार जो है ऐसे persons, excellence of bone marrow, जो कि बहुत ज्यादा emaciated नहीं है, जिनकी strength बलवान है, good है, pleasant, देखने में जिनको अच्छा लगता है, voice, deep voice है, और इसके बाद एक लक्षण है wide eyes को हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। wide eyes को यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं प्रायः आंखों के इनर कैनथस से,
इनर कैंथस की तरफ यदि आप देखने की कोशिश करें तो वहां पर एक वी लाइक साइन बन रहा है। वह वी जो है यदि हम अपर लिड और लोअर लिड का जो मार्जिन है, इनर कैंथस जो है उस पर यदि आप देखें तो जो वी बन रहा है वो वी कितना वाइड है। जितना अधिक वाइड वी होगा उतनी ही जो है हम आईज को वाइड मानते हैं। और इसके अलावा भी जो है वाइड आईज का एक ये भी इस प्रकार से भी पहचाना जाता है कि जो आईज है उसका जो यदि कोई जिस रोगी को हम देख रहे हैं कि उसकी आईज वाइड है या नहीं तो उस रोगी से सामान्य रूप से देखने को जब कहा जाता है तो जब वह रोगी सामान्य रूप से देखता है तो आप यदि उसकी आंखों की तरफ देखें तो उसमें जो स्क्लीरा वाला पार्ट है यदि वो जो ब्लैकिश पार्ट के बाहर दिखता है तो वो वाइड आईज है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यदि व्यक्ति एकदम सामने देख रहा है तो नीचे की ओर आप देख रहे हैं कि स्क्लीरा वाला वाइड पोर्शन दिख रहा है। तो ऐसी आईज जो है वो वाइड आईज कहलाती है या बड़ी जो है जिन्हें कहते हैं विशालाक्ष जो वर्ड यूज हुआ है, विशाल नेत्र जो है, महानेत्र वो जो हम इसमें इसको कहते हैं। और यदि वो बाउंड्री टच करती हुई होती है तो वो विशाल नेत्र नहीं होती और वो टच के भी ऊपर होती है तो हम उसको स्मॉल आईज कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये मज्जासार व्यक्तियों के लक्षण। फिर अस्थिसार व्यक्ति जो होते हैं हैविंग बिग हेड, ब्रॉड शोल्डर, फर्म टी, फर्म लोअर जॉ, फर्म बोन्स, फर्म नेल्स, ये सारी चीजें उसमें मिलती हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अस्थिसार होते हैं। नेत्रसार व्यक्ति जो है उनका अंकुश यूरिन स्निग्धता होती है, मतलब यूरिन में अंकुश स्वेल, वॉइस बहुत प्लीजेंट होती है, बॉडी फ्रेम जो है उनका लार्ज साइज होता है और उनको जो है बहुत ज्यादा वो एक्जर्शन को सह नहीं पाते, अनेबल टू टॉलरेट एक्जर्शन। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शुड बी कंसीडर्ड एज मेलसार। इसके बाद मांसाहार व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनके जो हु हैज वेल ग्रोन बॉडी, बोन्स, जॉइंट और उसके अलावा ये सारी चीजें कंसील्ड विद वेल डेवलप्ड मसल शुड बी कंसीडर्ड एज मांसाहार, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। फिर रक्तसार व्यक्ति, पर्संस ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ब्लड, जिनका अंकुश और कॉपरी रेड कलर के नेल्स, आईज, पैलेट, टंग, लिप्स, पाम एंड सोल्स। तो यहाँ पर नेल्स को दिखाने की कोशिश की है मैंने कॉपरी, और इसके अलावा जो है आईज को भी दिखाने की कोशिश की है। आईज में जो हम रक्त नेत्रता देखते हैं या ताम्र नयन, कॉपरी और रेडिश टिंज जो देखना चाहते हैं उसको प्रायः इनर कैंथस से समझने की कोशिश करते हैं। इनर कैंथस में किस प्रकार का कलर का टिंज है उसके आधार पर जो है हम उसको अप्लाई करके हम देखते हैं किस प्रकार की जो है स्थिति है। फिर त्वक्सार जो होते हैं जिनमें एक्सीलेंस ऑफ ब्लड धातु है, इनकी स्किन है, हेयर्स गुड लुकिंग होते हैं और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो त्वक्सार व्यक्ति कहलाते हैं। इसके बाद जो है ये जितने भी सार बताए गए उन सारों में यदि हम आयु की दृष्टि से देखें, ऐश्वर्य की दृष्टि से देखें तो जिस सार का वर्णन सबसे पहले किया गया वो सार जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जिस तरह से मैंने वर्णन किया है इसमें, जैसे सत्व सार, फिर शुक्र सार, फिर मज्जा सार, इसी प्रकार से जो है वो वित्त के लिए हिसाब से, ऐश्वर्य के हिसाब से और आयु के हिसाब से जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। आउट ऑफ दीज अबव सार द अर्लियर वन इन प्रीसीडिंग ऑर्डर आर इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग लाइफ स्पैन एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये सारी ही चीजों को हमें समझना होगा आयु के प्रमाण को जानने के लिए। द इंटेलिजेंट फिजिशियन हु एग्जामिन द मेजरमेंट ऑफ मेजर एंड माइनर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलेंस स्पेशली बिकम्स सक्सेसफुल इन हिज एक्टिविटी। और जब इन सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद रोगी वैद्य नेक्स्ट परीक्षा में जाएगा और उसके बाद फिर अपनी चिकित्सा की प्लानिंग करेगा तो निश्चित रूप से सफल होगा। तो यहाँ तक बात आई थी, यहाँ तक जो हमने हमारे जो 12 फैक्टर हैं उन फैक्टर्स में जो सबसे पहले बात कही गई कि आयु को हम कैसे जानेंगे उसके प्रमाण के बारे में हमने जाना कि आयु को हम कैसे जानेंगे, प्रमाण के द्वारा जानेंगे, सार के द्वारा जानेंगे और जो लक्षण आचार्य ने अंकित किए हैं उनको अपने ध्यान में रखते हुए जानेंगे। नेक्स्ट परीक्षा आती है व्याधि परीक्षा, इसका जो दूसरी
पड़ाव है जिसे कहना चाहिए, या जो 12 फैक्टर्स बताए हैं उसमें जो है नेक्स्ट बात आई व्याधि की। आचार्य ने कहा कि यहाँ तक तो ठीक है, हम लोगों ने परीक्षा कर ली कि उसकी आयु कितनी है, उसमें सार कैसा है, उसका प्रमाण कैसा है, और उसके आधार पर हम ये समझ भी गए कि जो है ये व्यक्ति कैसे कितनी आयु का लगभग हो सकता है, कैसा इसका बल है, कैसे इसमें, लेकिन जो उसको रोग है उसके बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो रोग है वास्तव में वो किस कैटेगरी का है, जो रोग उसको हुआ है वो रोग साध्य है, याप्य है या प्रत्याकी है। इस साध्य का मतलब ऐसा रोग है जिसे हम इजीली जो है वो ट्रीटमेंट देके चिकित्सा कर सकते हैं, क्यूरेबल है, क्योर करने लायक है, या ऐसा रोग है जो याप्य की श्रेणी में कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको पूरी तरह से जिसको हम नहीं हटा सकते, या प्रत्यक्ष ये है किसी भी दशा में जो है उस रोग की चिकित्सा करना संभव ही नहीं है या इनक्यूरेबल है। तो इस प्रकार से हमें देखना होगा कि रोग यदि किसी रोगी जो है जिस रोग से ग्रसित है वो रोग किस श्रेणी में आता है, साध्य में आता है, याप्य में आता है या प्रत्यक्ष में आता है। और इतना जानने के बाद ये काफी नहीं है कि हमें व्याधि के बारे में ज्ञान हो गया या व्याधि की परीक्षा यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके बाद में हमें यह भी देखना होगा कि ये जो व्याधि है वो किस प्रकार की है, क्या औपसर्गिक है, क्या प्राकेवल है या अनिलक्षणयुक्त है, उसके आधार पर ही जो है वो डिसाइड हो पाएगा या हम चिकित्सा करने में कितना सफल हो पाएंगे उसको हम समझ पाएंगे। तो औपसर्गिक या पूर्वोत्पन्नम व्याधि जगन्य कालो व्याधि सृजति तन्मूल एक उपद्रव संज्ञा। कहने का मतलब यह है कि जो व्याधि के जो चीज व्याधि के उत्तर काल में उत्पन्न हुई और उसी के साथ में मिलती है और व्याधि का मूल में ही जिसका मूल है, यहाँ ये बताने का मतलब यह है या इस चीज को इसलिए बताया जा रहा है कि हम जब चिकित्सा करें तो इस बात को ध्यान रख सकें कि हमें किस पॉइंट को दिमाग में रखकर चिकित्सा करनी है। क्योंकि यदि चिकित्सा इस प्रकार करनी होगी, यदि जो उपद्रव उत्पन्न हुआ है वो उपद्रव की भी चिकित्सा हो लेकिन मूल व्याधि का विरोध ना उस चिकित्सा। और ये जो रोग होते हैं ये प्रमुख रूप से उपद्रव फॉर्म में होते हैं, औपसर्गिक रोग या हम सेकेंडरी डिजीज भी कह सकते हैं, द डिजीज व्हिच हैज डेवलप्ड लेटर एंड रिमेंस विद इट हैज सेम कॉज एज ऑफ मेन डिजीज एंड इज नोन एज उपद्रव। तो और इसके अलावा यदि रोग भी है और उसका उपद्रव भी उत्पन्न है और उपद्रव बहुत अधिक बलवान है तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बलवान उपद्रव है उसकी चिकित्सा हमको पहले करनी होगी। फिर बात आती है प्राकेवल की, द डिजीज डेवलप विदाउट प्रीमॉर्निंग सिम्टम्स एंड विदाउट सेकेंडरी डिजीज, जिसकी जो सेकेंडरी जिसका उपद्रव भी कोई नहीं है और कोई पूर्ण रूप भी नहीं है, जो सबसे पहले उत्पन्न हुई लेकिन पूर्ण रूप संज्ञक नहीं है ना उपद्रव स्वरूप है, प्रधान व्याधि ही है और उसको ध्यान में रखकर वो किस दोष के प्रधान है उसी के अनुसार जो है हमें यहाँ पर चिकित्सा करनी पड़ेगी, जैसे तिल आदि होते हैं। इसके अलावा अन्य लक्षण या इनिशियल स्टेज या प्री मॉनिटरी स्टेज जो होती है जिसमें जो कि ऐसी डिजीजें जो हमें भविष्य में होने वाली व्याधि के बारे में बताती हैं, अन्य लक्षणों या भविष्य व्याधि ख्यापिकम सपूर्ण रूप सज्ञता, तो ऐसी डिजीजें जो कि हमको फ्यूचर में होने वाली डिजीज को बताती हैं उसको जो है हमें अन्य लक्षण के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो हमें अगर चिकित्सा में सफलता पानी है तो हमें इस तरह से व्याधि के संबंध में व्याधि को भी जानना आवश्यक है कि व्याधि साध्य है, याप्य है, प्रत्यक्ष है, इसके साथ साथ कि व्याधि औपसर्गिक है, प्राप्त केवल है लक्षण युक्त है। इसके बाद बात आती है ऋतु परीक्षा की, ऋतु परीक्षा भी अपने आप में जरूरी है जानना कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे शास्त्रों में हर चिकित्सा के लिए एक प्रॉपर टाइम बताया गया है, एक प्रॉपर टाइम बताया गया, उस टाइम के आधार पर यदि हम मेडिकेशन देंगे तो हम ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। ड्यूरिंग कोल्ड सीजन ट्रीटमेंट शुड बी अपोजिट ऑफ इट, during hot season it should be to remove the heat. hello meri sound aa rahi hai na doctor? Haan, aa rahi hai, aa rahi hai, aapki awaaz aa rahi hai, aawaz aa rahi hai madam, aa rahi hai, continue kare aap. Okay.
तो मेडिकेशन शुड बी प्रेस्क्राइब्ड एट ए राइट टाइम। इसके अलावा यदि ट्रीटमेंट हो, योग चिकित्सा के लिए हम कभी भी समय का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर अप्राप्त समय में की हुई चिकित्सा है और प्राप्त समय मतलब जब चिकित्सा करनी चाहिए वो समय निकल गया है तो चिकित्सा सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर आवश्यकता से कम की जाए तो भी सफल नहीं है और आवश्यकता से अधिक की जाए तो वो भी जो है सफल नहीं हो सकते। इवन क्यूरेबल डिजीज में भी हम इस प्रकार से सफल नहीं हो सकते। तो हमें समय का, ऋतु का, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी परीक्षा करनी ही होगी, किस प्रकार हमें किस तरह क्या कार्य करना चाहिए। ट्रीटमेंट डन अर्लियर टू द प्रॉपर टाइम और ट्रीटमेंट नॉट डन एट प्रॉपर टाइम एंड ट्रीटमेंट बीइंग आइदर इनएडिक्वेट और एक्सेस दिस डू नॉट सक्सेस इन गिवन क्यूरेबल डिजीज। फिर नेक्स्ट बात आती है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी परीक्षा, कोई भी परीक्षा को हम ये नहीं कह सकते कि ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है। हमें सभी परीक्षाओं को अपने आप में बहुत महत्व है और यदि चिकित्सा में सफलता पानी तो समग्र रूप से इन सभी परीक्षाओं पर हमको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो अग्नि परीक्षा, अग्नि भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर देखते हुए जो जो चीज आवश्यक है प्रमुख रूप से यहाँ पर जो बात की गई अग्नि परीक्षा में, यहाँ पर बात की गई है जठराग्नि की। जठराग्नि की ही मंदस्थि श्रोत विषम समश्चेति चतुर्विधा कफ पित्त नीला विकारत साम्या जठरो अनिला। यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से जठराग्नि की बात की गई और जठराग्नि की बात कहते हुए जठराग्नि को चार भागों में बांटा गया, समाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और मंदाग्नि। और उन अग्नियों में किस प्रकार की दोष की प्रीडोमिनेंस होती है, कौन कौन सी दोषों की अधिकता होती है, कौन कौन से दोष प्रमुख रूप से प्रधान होते हैं। समाग्नि में तीनों दोष प्रमुख रूप से रहते हैं, वात, पित्त और कफ। और ये अग्नि जो होती है श्रेष्ठ होती है। ये अग्नि जो भी फूड लिया जाता है, प्रॉपर जो टाइमली फूड लिया गया है उसको वो प्रॉपरली डाइजेस्ट करती है, प्रॉपरली डाइजेस्ट करती है, मेटाबोलाइज करती है। द अग्नि डाइजेस्ट द फूड प्रॉपरली और मेटाबोलाइज गुड क्वांटिटी ऑफ इंजेस्टेड फूड। लेकिन जो विषमाग्नि है, जो बात है उसके कारण विषम, नाम से ही पता चल रहा है जैसा कि कभी वो एबनॉर्मल होती है कभी नॉर्मल होती है और इसके साथ में लक्षण भी उत्पन्न करती है, फ्लैचुएंस है, एबडोमिनल पेन, उदावर, डायरिया, हैवीनेस। इसके बाद में आती है तीक्ष्णाग्नि। तीक्ष्णाग्नि जो होती है वो ज्यादा खाए हुए अन्न को भी बहुत जल्दी पचा देती है, ऐसी अग्नि जो है वो तीक्ष्णाग्नि कहलाती है। लेकिन यही अग्नि यदि तीक्ष्णाग्नि अग्नि और अधिक बढ़ जाए, इससे भी अधिक बढ़ जाए तो हम क्या कहते हैं उसको अत्याग्नि कहते हैं। अत्याग्नि जो होती है वो जितना भी अन्न खाया जाए, बार बार खाया जाए, अधिक मात्रा में खाया जाए उसको शीघ्र पचा देगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या करेगी वो पाक के अंत में गले में, तालू में, ओष्ठ में शोथ हो सकता है, दाह उत्पन्न हो सकता है और संताप उत्पन्न कर सकती है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि समाग्नि की स्थिति है, विषमाग्नि की स्थिति है, तीक्ष्णाग्नि की स्थिति है, अंताग्नि की स्थिति है, क्योंकि समाग्नि की क्या करेंगे हम हमेशा रक्षा करने की कोशिश करेंगे। विषमाग्नि में स्निग्ध पदार्थों से, अम्ल पदार्थों से, लवण रस प्रधान से चिकित्सा करेंगे। तीक्ष्णाग्नि में जो है उसके तीक्ष्णाग्नि और अत्याग्नि इन दोनों ही चीजों को आपको देखना पड़ेगा, उसके आधार पर महिष दूध है, दही है, घृत है, उसके आधार पर जो है हम चिकित्सा करेंगे। और जो मंदाग्नि है उसमें प्रमुख रूप से कफ दोष की प्रधानता रहती है। मंदाग्नि इज द स्टेट जिसमें डाइजेशन प्रोसेस वीक हो जाता है और स्मॉल क्वांटिटी में भी जो खाया हुआ खाना होता है वो जो है डाइजेस्ट करना कठिन हो जाता है और उसके साथ साथ लक्षण भी मिलते हैं, हैवीनेस इन एब्डोमेन, कफ, डिस्निया, एक्सेसिव सलाइवेशन, वॉमिटिंग, वीकनेस ऑफ द बॉडी, ये जो है ये सारे प्रकार के जो है इसमें प्रमुख रूप से लक्षण भी मिलने लगते हैं अग्नि के केस में। तो ये जो है ये अग्नि परीक्षा की बात हुई। अग्नि परीक्षा के बाद में बात आती है ये जठराग्नि जो है अगर पाचन की दृष्टि से देखें तो हम इसे शरीर का ईश्वर कह सकते हैं। जठराग्नि को पाचन की दृष्टि से शरीर का ईश्वर मानते हैं और इसको जो है यह माना जाता है कि ये प्राणवायु, अपान वायु और समान वायु इन तीनों ही वायु के अधीन होती है। तो ये जो है ये जठराग्नि के बारे में बात हुई। नेक्स्ट परीक्षा आती है वह परीक्षा। वह भी जो है अपने आप में सभी आचार्यों ने डिस्क्राइब किया है और
प्रमुख रूप से तीन ही अवस्थाएं बताई, आचार्य सुश्रुत ने भी इसी प्रकार से तीन अवस्थाएं बताने की कोशिश की है, बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था 16 वर्ष तक की अवस्था बताई है, मध्यावस्था 16 से 70 वर्ष तक की अवस्था बताई है, और वृद्धावस्था जो है वो 70 वर्ष के जो ऊपर की अवस्था है उसे वृद्धावस्था बताई। अब जब बात आती है कि इसको क्यों कहा जाए, वह परीक्षा की क्या आवश्यकता है, तो किसी भी ट्रीटमेंट को जब दिया जाता है, कोई डोज हमें निर्धारण करनी है, कोई हमें थेरेपी देनी है, परगेशन करना है, या हमें कॉटराइजेशन करना है, क्षार कर्म करना है, अग्निकर्म करना है, तो उसके लिए भी बहुत सारी जो है वो निर्देश दिए हैं कि किसमें किया जा सकता है, किसमें नहीं किया जा सकता है, वह के परिप्रेक्ष्य में बालकों में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, वृद्धों में किया जा सकता है, मध्य में किस प्रकार से करना चाहिए, मध्यम आयु, तो ये सारी चीजों को जानने के लिए और डोज आदि को समझने के लिए कितनी डोज हमें देनी है, उसके आधार पर क्या ट्रीटमेंट देना उचित रहेगा, उसके लिए सभी चीजों के लिए वैकी परीक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यक है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है, देखा भी जाता है कि सामान्य रूप से अगर बाहर ही कोई ओपीडी पे पेशेंट आता है, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे उसका नाम और एज सबसे पहले दिखती जाती है। तो वैज क्लासिफाइड इंटू थ्री पार्ट, फिर बाल्य जो है उसको तीन भागों में फिर बांटा गया, फर्दर बांटा गया, क्षीरक, क्षीरान्नक और अन्नक। क्षीरक मतलब जो दूध पर है विशेष रूप से, एक वर्ष तक की आयु वाला व्यक्ति जो है उसको क्षीरक कहा गया, क्षीरानाथ जो एक से दो वर्ष तक का है, और अन्नाथ जो है जो सिर्फ अन्न के ऊपर रहता है उसे जो है वो अन्नाथ कहा गया। फिर मध्यम आयु जो है वो आचार्य सुष्म 16 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की बताई, और उसको फिर चार भागों में डिवाइड किया उन्होंने, वृद्धि, युवान, संपूर्णता और परिहानि। वृद्धि मतलब ग्रोथ फेज अप टू 20 ईयर, जिसमें जो होता है ग्रोथ होती है। फिर युवान एज उन्होंने बताई अप टू 30 ईयर, यूथ या एडोलेसेंस एज जिसे हम कह सकते हैं। फिर संपूर्णता की एज अप टू 40 ईयर, जिसे हम मैच्योरिटी की फेज कह सकते हैं, और परिहानि अप टू 70 ईयर, जहाँ पे डिजनरेशन जो होती है वो स्टार्ट, डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है ये प्रमुख रूप से मध्य फेज बताई, और फिर जो है वो वृद्धा अवस्था बताई। वृद्धा अवस्था में जो भी धातु है उनका क्षय हानि शुरू हो जाती है, बल की हानि हो जाती है, वीर्य की हानि हो जाती है, बलियां मतलब झुर्रियां पड़ जाती है, फलित बाल जो होते हैं वो सफेद होने लगते हैं, खालित झड़ने लगते हैं, श्वास का से युक्त हो जाता है व्यक्ति, और सर्विक प्रकार की क्रियाओं में मतलब उसकी जो कर्मेंद्रियां हैं वो भी अपने कार्य को करने में असमर्थ होने लगती है, सर्व प्रकार की क्रिया में वो असमर्थ हो जाता है। और जीर्ण आगार अभिवृष्टम अवसीदंता का मतलब है कि जिस प्रकार से जब मेघ घर्षण होता है तो मेघ घर्षण के समय में जो मकान होते हैं जो जीर्ण अवस्था में होते हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते हैं, वो गिरने लगते हैं, उसी प्रकार से एक तरह से जो व्यक्ति है उसका शरीर जो है वो एक गिरने की अवस्था में हो जाता है, उससे जो है वो इसकी तुलना की गई है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वैक परीक्षा, डिटर्मिनेशन ऑफ डोज ऑफ मेडिसिन, दोष वैक के अनुसार दोष बताए गए हैं, क्योंकि कफ जो होता है वो प्रारंभिक अवस्था में, बालकों की अवस्था में, मध्यम अवस्था में, पित्त की स्थिति में, वृद्धावस्था में स्वभाव से ही जो होता है वात दोष प्रधान होता है, तो वो देखने के लिए, और उसके अलावा हम थर्मल कॉटराइजेशन कर रहे हैं, एल्काइन कॉटराइजेशन कर रहे हैं, परगेशन, ये सब कंट्राइंडिकेटेड होता है चिल्ड्रंस में, और यदि हम करें भी तो इसके लिए आवश्यक है कि हम क्या करें, उसको जो है बहुत सॉफ्टली यूज करें या माइल्डली यूज करें। फिर बात आती है देह परीक्षा की, देह परीक्षा, देह की भी परीक्षा बहुत अधिक आवश्यक है। देह की परीक्षा पे देह जो है वो शरीर को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं, स्थूल, कृश और मध्यम। यहाँ पर आचार्यों ने बताया जो व्यक्ति बहुत अधिक स्थूल है उसका हमें कर्षण करना चाहिए, जो व्यक्ति बहुत अधिक कृश है उसका हमें ग्रहण करना चाहिए, और जो मध्य अवस्था में है उसका हमें रक्षण करना चाहिए। जैसे कि समाग्नि में बात करी थी कि जो समाग्नि है उसकी रक्षा कीजिए, उसी प्रकार से जो मध्यम शरीर है उसकी जो है हमें रक्षा करनी चाहिए। अब आज के टाइम में, आज के समय में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए एक प्रकार से स्थूल व्यक्ति जो है उपचय वाली कंडीशन हो गई, जो उपचित है, जो उपचित व्यक्ति है वो हो गया स्थूल, और जो उसके लिए नेचुरल है अपतर्पण चिकित्सा कराएंगे, और जो क्रश है यानी कि जो अपचय वाली कंडीशन है उसके लिए हम संतर्पण चिकित्सा कराएंगे, और जो मध्यम है उसको रक्षण। तो इसको हमें देह के बारे में जानने के लिए, इसके लिए हम BMI को सबसे बेस्ट मानते हैं, कि BMI के आधार पे, आज के परिप्रेक्ष्य में हम BMI के आधार पर इस बात का कंसिडरेशन कर सकते हैं कि रोगी जो है वो स्थूल में आ रहा है, क्रश में आ रहा है या मध्यम। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, वेट अपॉन
आइडेंटिटी स्क्वायर सभी लोग इससे परिचित है और ये यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अंडरवेट जो है जिनकी लेस देन 18.5 बीएमआई है, ये नॉर्मल वेट व्यक्ति है, जिनकी बीएमआई 18.5 से 24.9 तक है, ओवरवेट में 25 से 29.9 तक, ओबीज में जो 30 के ऊपर जाते हैं 35 तक, और एक्सट्रीमली ओबीज जो है जो मोर देन 35। तो इस प्रकार से जो है हम देखी परीक्षा कर सकते हैं, उसकी बीएमआई हम आत्तु की निकालें और उस पर देखें कि वो व्यक्ति जो है किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, और नेचुरल बात है जो मध्यम व्यक्ति है उसी में जो है वो बल अधिक होगा। फिर बात आती है बल परीक्षा की। बल परीक्षा से, बल परीक्षा कहने का यहाँ पर मतलब है कि उस व्यक्ति में कितना बल, कहने का मतलब यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो क्या क्या सहन कर सकता है, कितना, एक तो देह बल हुआ, जिस प्रकार से उसका देह बना बनी हुई है उसकी बात हुई। बल परीक्षा का मतलब यह है कि वो कितना एक्सरसाइज आदि कर सकता है, वो कितनी पावर रखता है, ये स्ट्रेंथ है उसके अंदर, कितनी, कितना चल के वो थक जाता है, कितनी सीढ़ियां वो चढ़ लेता है, कितनी एक्सरसाइज वो कर पाता है। और इसको देखने के लिए अगर हम आज का पैरामीटर देखें तो हमें नेचुरली उससे पूछना पड़ेगा कि हमें किस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कितनी एक्सरसाइज करने से उसकी जो है हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर वेरी कर जाता है, और कितनी देर बाद जो है वो नॉर्मल आ जाता है। जितनी जल्दी नॉर्मल आ जाएगा उतना ही उसका बल की अवस्था अच्छी, और जितनी देर में ये चीज जो है बढ़ रही है। तो इसलिए जो है आपको जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं जो हमें देने होते हैं पेशेंट्स को, उन ट्रीटमेंट्स को देने के लिए भी हमें देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का बल कितना है, उसको हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी हम जो है वो ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सन में हम सभी प्रकार के ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसलिए जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप में बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है सारी एक्टिविटीज के लिए। सिंस ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू स्ट्रॉन्ग पर्सन ओनली, स्ट्रेंथ इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एक्टिविटीज। इसके अलावा देखा जाता है कुछ व्यक्ति दिखने में तो बहुत क्रश लगते हैं लेकिन उनमें एक्सरसाइज की पावर बहुत एक्सीलेंट होती है, और कुछ व्यक्ति दिखने में स्थूल होते हैं, अल्पबल वाले होते हैं। तो इसको भी जो है हमें समझना पड़ेगा, हम खाली देख करके हम उसको अंदाज नहीं कर सकते, उसकी व्यायाम की स्थिरता की हमें अपनी तर्कणा के द्वारा, मतलब अपने डिस्कशन के द्वारा, अपना सेल्फ विवेक के द्वारा हमें उसको समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति में कितना बल है। The person having excellent power of exercise is of pyrobal, जो बहुत ज्यादा exercise करने की power रखता है, having moderate power of exercise is of मध्यम बल, and having less power of exercise is of abarbal। तो इस प्रकार से जो है हम उसके बल की परीक्षा करेंगे। फिर बात आती है सत्व परीक्षा की। सत्व परीक्षा, वैसे तो वहां सार की जब हमने बात की थी तो वहां भी हमने सत्व सार की बात की थी, और वही चीज है एक प्रकार से। और सत्व परीक्षा पे एक पूरा लेक्चर डॉक्टर श्री कृष्ण खांडेल जी का भी, सर का भी हुआ है, बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा है वो, उसमें मैंने भी उसको बाद में सुना था। तो सत्व परीक्षा जो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी धातुओं का सार है ये, मन है, और इसको देखने के लिए कि रोगी जो है वो किस प्रकार का है, अगर प्रबल सत्व वाला है, मध्यम सत्व वाला है, अवर सत्व वाला है, तो यहाँ पर जो सत्व जो है एक प्रकार से सत्व के ही तीन प्रकार है, सत्व गुण जिसमें प्रधान है विशुद्ध रूप से जिसमें सत्व है, और जो रजा गुण प्रधान है यानी कि जिसमें दोष सम्मिलित हो गए हैं, और जो तमोगुण प्रधान है मोह से संयुक्त हो गया है। तो इस प्रकार से सात्विक राजस और तामस प्रवृत्ति प्रकृति भी कह सकते हैं इसको। तो जो सत्व गुण युक्त होंगे, जो प्रबल सत्व वाले व्यक्ति होंगे, द पर्सन हैविंग प्रबल सत्व और सुपीरियर साइकी आर सीन अनडिस्टर्ब्ड इवन व्हेन सफरिंग फ्रॉम मेजर एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस डिजीज। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति प्रबल सत्व वाला व्यक्ति होता है, यदि वो मेजर किसी डिजीज से भी ग्रसित होता है, तो हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति बहुत कम डिजीज में बहुत शोर मचाए लगते हैं, ये कहने लगते भाई बहुत बीमार है, ठीक नहीं हो सकते, और कुछ व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी कैंसर आदि जैसी बीमारियों से ग्रसित होने पर भी संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता रखते हैं, और फिर उसका ट्रीटमेंट लेते हैं और सफल भी होते, ठीक भी होते हैं। तो इससे इसका सत्व से बहुत अधिक जो है
इस बात का महत्व है आज के टाइम में, तो वैसे भी पेंडेमिक जो कोविड फैला हुआ है उसमें हम समझ सकते हैं कि सत्व का कितना वैल्यू है, सत्व प्रवर सत्व वाला व्यक्ति ही सक्सेसफुल है। तो अगर कोई रोगी ऐसा है जिसको मेजर कोई डिजीज है और जब वो सफर कर रहा है तो डिस्टर्ब नहीं होता बल्कि उससे लड़ने की क्षमता रखता है, तो वो व्यक्ति जो है हम कहेंगे प्रवर सत्व वाला है। और कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो लड़ने की क्षमता तो नहीं रखते, लेकिन जब उनको समझाया जाता है, जब उनको कोई कंसोल करता है, आप जो है देखिए जो डिजीज आपको है उससे ज्यादा और ज्यादा कहने का मतलब है और ज्यादा प्रोग्रेसिव रूप में यही डिजीज उस व्यक्ति को थी, दूसरे व्यक्ति को थी, और जब उसको समझाया जाता है उसने ट्रीटमेंट लिया वो ठीक हो गया तो वो ठीक हो जाता है, उसको जो है हिम्मत मिलती है और वो जो है संघर्ष करने की अपनी बीमारी से लड़ने की क्षमता को रखता है। तो दैट इज द मीडियोकर सत्व, मध्यम सत्व के लोग हैं। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें ना तो खुद से समझ पाते हैं कोई बात और ना ही कोई दूसरा कहे तो समझ में आता है, वो सब कुछ बहुत मेजर डिजीज भी नहीं है उसके बाद भी जरा जरा सी बातों में परेशान होने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो एक तरह से अवर सत्व के होते हैं और वो तमो प्रधान person having प्रवर सत्व superior psychiatry undisturbed even when suffering from major exogenous or endogenous disease. Those of mediocre sat take an example of others make themselves strong. They have rajogun predominantly or those having inferior sat who neither capable to sustain themselves nor on the support of others. In spite of big body frame they have tamogun predominantly. तो ये जो बात थी ये जो है सत्व की, तो सत्व का अपने आप में बहुत अधिक महत्व है। फिर नेक्स्ट परीक्षा आती है हमारी सात्म परीक्षा। सात्म परीक्षा जो है ये भी अपने आप में सात्म बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। सारी लगातार किसी भी चीज का अभ्यास करने से जब व्यक्ति अपने सात्म बना लेता है तो ओक सात्म कहलाता है। और कभी सात्म इज द यूज ऑफ सच थिंग्स विच डू नॉट कॉज हार्म टू द बॉडी even though they are opposite of different from one's own constitution, habitat, time, season, disease, exercise, water, day sleep and such. कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीजों के विरुद्ध होते हुए भी यदि ये चीजें उस व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा रही है तो वो व्यक्ति जो है उसको वो सारी चीजें साथ में हो चुकी है, यानी कि वो बलवान है। जिसको जितनी ज्यादा चीजें साथ में होंगी अपोजिट होते हुए भी वे व्यक्ति जो है वो उतना ही अधिक बलवान होगा। तीन टाइप के साथ बताए गए, प्रवर उत्तम साथ बताया गया, मध्यम साथ बताया गया, अवर साथ बताया गया। और जिनको सभी प्रकार की चीजें जो है वो पेन नहीं देती हैं और वो सभी चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, जिन्हें लेने से उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है, तो वो जो है उत्तम साथ के व्यक्ति है। दोस्त टू होम ग्रेथ मिल्क ऑयल मीट सूप ऑल द रस जिसके लिए सुटेबल हैड एंड्योरेंस टू विदस्टैंड पेन और ट्रबल और लॉन्ग लाइफ स्पान, ये जो है ये उत्तम साथ। और ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ के साथ में सभी रस्तों साथ में नहीं है, कुछ चीजें साथ में है कुछ चीजें नहीं साथ में, दो हैविंग सुटेबिलिटी ऑफ मिक्स्ड आर्टिकल एंड रस, वो मीडियम स्ट्रेंथ के हैं ड्यू टू सुटेबिलिटी आर ऑफ मध्यम सा। और दो हैविंग सुटेबिलिटी ऑफ टू रफ सब्सटेंस और किसी एक रस के लिए वो मोस्टली वीक होते हैं, लेफ एंड्योरेंस होता है पेन का, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अवर साथ में। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ मैडम। हाँ आवाज आ रही है। क्या इतनी देर से आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं नहीं बस अभी म्यूट हुआ। अच्छा ओके अब बात आती है प्रकृति की। प्रकृति यूं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे तो एक लेक्चर या काफी लेक्चर हो सकते हैं। फिर भी शॉर्ट में यहाँ पर एक बात मुझे ये कहनी है प्रकृति के संदर्भ में कि हम लोग सभी लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट में और सभी ने अपना प्रकृति का प्रोफार्मा जैसा बनाया हुआ है उसको यूज करते हैं, लेकिन उसको ना यूज करके जो CCRS ने स्टैंडर्डाइजेशन रूप से प्रकृति का
बनाया है उसी को हम सबको यूज करना चाहिए। सारी जगहों पर अगर वो यूनिफॉर्मिटी हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे अपने अपने क्वेश्चन के आधार पर वो अलग अलग प्रकृति जो है अलग अलग व्यक्तियों की निकलती है। तो उसके लिए जो है, और मैंने यहाँ पर जो प्रकृति ली है या प्रकृति को समझाने की कोशिश की है वो उसी के बेस पर ही कोशिश भी की है। तो प्रकृति जो है द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ बाथ पिथ एंड कर्व एंड इंडिविजुअल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम ओवम एंड ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ डिटरमाइन द प्रकृति ऑफ द इंडिविजुअल। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रकृति इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयुर्वेदिक डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट विच नाउडेज इंटरप्रिटेड इन टर्म ऑफ प्रिडिक्टिव प्रिवेंटिव पर्सनलाइज्ड एंड पार्टिसिपेटरी मेडिसिन। प्रकृति कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स फिजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल behavioral assessment in both healthy and unhealthy state. Its assessment is very important in diagnosis, treatment and prognosis of disease. Choice of the drug, its dose, diet, prescription and do's and don'ts in health and disease condition also varies with prakriti. तो ये प्रकृति जो है हम चार तरह से यहाँ पर हमने समझाने की कोशिश की है। एक तो फिजिकल करेक्टर लिए, एक फिजियोलॉजिकल करेक्टर लिए, एक साइकोलॉजिकल करेक्टर लिए और एक जो है बिहेवियर, उसका किस प्रकार का बिहेवियर है उसके आधार पर हमने लिए। तो ये बातच प्रकृति वाले व्यक्ति रफ अनडेवलप्ड शॉर्ट एंड थिन बॉडी होते हैं, वेल्स जो होंगी उनकी प्रोमिनेंट होगी और अगर ज्वाइंट्स हैं मूवमेंट के ड्यूरिंग जो है उनमें साउंड प्रोड्यूस मिलेगी। पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति जो होते हैं जनरली येलोइश फ्लैबी ग्रे हेयर और बाल्डनेस आदि से युक्त होते हैं। नेल आईज पैलेट टंग लिप्स पाम सो ये कॉपर इन कलर जनरली उनके होते हैं। कफज प्रकृति वाले डेलिकेट से होते हैं, फेयर होते हैं, कॉम्पैक्ट स्टेबल बॉडी होती है। यहाँ पर एक चीज ये है कि जब हम लोग प्रकृति का असेसमेंट करते हैं तो हम कहते हैं जो बहुत लीन थिन है वो वातज प्रकृति के अंतर्गत आ जाता है और जो व्यक्ति थोड़ा स्ट्रांग है और कॉम्पैक्ट है स्टेबल है वो कफज प्रकृति के अंतर्गत आता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है जो मीडियम फ्रेम वाला व्यक्ति है वो पित्तज प्रकृति में आता है। तो हम लोग प्रायः क्या करते हैं जब स्टूडेंट्स या प्रकृति का निर्धारण किया जाता है तो जो लिंथन व्यक्ति है वो वातज प्रकृति में डाल दिए, जो स्थूल वाले हैं वो कफज में डाल दिए और जो मीडियम वाले हैं वो पित्तज प्रकृति में वो स्कोर चला गया। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे शास्त्र में जिन लक्षणों को बताया गया है, जिन लक्षणों को फोकस किया गया है, उन्हीं लक्षणों के आधार पर ही हमें स्कोरिंग करनी चाहिए। ऐसा बहुत सारे लक्षणों में देखा जाता है। फिर जो है नेक्स्ट है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है इसके फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स कैसे होते हैं। वातज प्रकृति वाले हैं लिटिल हंगर थर्स्ट परस्पिरेशन इंटॉलरेंस टू कोल्ड। पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति इंटॉलरेंस टू हीट एक्सेसिव हंगर थर्स्ट एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ स्वेट यूरिन पीसे और कफज प्रकृति वाले पर्सन हैं अबंडेंट सीमेन सेक्सुअल एक्ट एंड प्रोजेनी लिटिल हंगर थर्स्ट पायरेक्सिया एंड परस्पिरेशन। इसके बाद जो है साइकोलॉजिकल करेक्टर दिखाने की कोशिश की है। वातज करेक्टर प्रकृति वाले क्रूएल होते हैं, जेलस होते हैं, अनकल्चर अनग्रेटफुल अनस्टडी माइंड ड्रीम्स इन स्काई पुअर मेमोरी वाले होते हैं। जबकि पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति जो होते हैं एंग्री क्विकली और क्विकली रिलीव हो जाता है, इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर ब्रिलियंट अनडिफिटेबल इन असेंबली। पित्तज प्रकृति वालों में कहा जाता है प्रगल्भ वक्ता होते हैं, डोमिनेट स्पीकर होते हैं, फोर्सफुली अपनी बातों को कहीं पर बैठे हैं असेंबली जाने के अप्लाई कर देते हैं। कफज प्रकृति वाले व्यक्ति पर्सन लाइट स्वीट स्लो इन अंडरस्टैंडिंग प्रीडोमिनेंट इन सत्गुण स्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेंड एंड वेल्थ। यदि बिहेवियरल ट्रेट्स देखें या उनकी लाइकिंग देखें तो वातज प्रकृति वाले व्यक्ति जो होते हैं फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग फॉन्ड ऑफ म्यूजिक गंधर्व प्रिय है यात्रा प्रिय वर्ल्ड लिटरेचर में अपने यात्रा प्रिय है गंधर्व प्रिय है उदान प्रिय है फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग और पित्तज प्रकृति वाले दैत मान निग्रह
पता होते हैं, डोमिनेंटली रहते हैं डिस्कशन में और अपनी प्रेज को सुनना पसंद करते हैं। कफज प्रकृति वाले व्यक्ति मितवाक होते हैं, कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बदानने वाले हैं, विनीत पोलाइट होते हैं। और अगर हम फ्रेंडशिप के मामले में देखें तो बातज व्यक्ति वालों की फ्रेंडशिप फिकर टाइप की होती है, अस्थिर होती है, और जबकि कफज प्रकृति वाले व्यक्तियों की फ्रेंडशिप जो होती है वो स्टेबल होती है। जो 11th पॉइंट इसमें आया वो है भेषज। भेषज अन्न से संबंधित कहा गया, फूड के बारे में विशेष रूप से, कि अगर हम रोगी की परीक्षा कर रहे हैं तो इस पॉइंट को, ये भेषज और देश, ये दोनों ही पॉइंट्स जो है वो, यद्यपि जो द्वादश परीक्षा में जो सारे भाव बताए गए वो सारे भाव जो है वो चरक में भी आते हैं, लेकिन भेषज और देश इन दो चीजों को चरक ने अपनी परीक्षा के अंतर्गत समाहित नहीं किया डायरेक्टली। तो ये जो है भेषज जो है, फूड इज द बेस्ट फ्यूल फॉर द डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक फायर। फूड एंड ड्रिंक्स इफ टेकन प्रॉपरली प्रमोट एनर्जी ऑफ माइंड एंड ऑल धातुज, इंक्रीज इन एनर्जी, प्रोवाइड परस्पिक्विटी, कॉम्प्लेक्शन एंड इंद्रियाज, द लाइफ इज मेंटेन्ड बाय प्रॉपर मेथोडिकल यूज ऑफ डाइट। इसका अपने आप में बहुत महत्व है, डाइट को हम नकार नहीं सकते। किसी भी रोगी को के बारे में जानने के लिए, उसकी चिकित्सा करने से पूर्व हमें ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो किस प्रकार का फूड लेता है, कैसी उसकी फूड हैबिट्स है, किस प्रकार के मेथड वो है प्रायः यूज करता है, कैसा उसका लाइफ स्टाइल है, कैसा जो है उसका जॉब है, किस प्रकार से वो फूड अपना लेता है। और फिर नेक्स्ट ईयर द्वादश परीक्षा में जो लास्ट 12th फैक्टर है वो है देश परीक्षा, जिसमें जो है देश को डिवाइड किया गया 3 भागों में, अनूप, जंगल और साधारण। अनूप देश की क्वालिटीज बताई गई, द लैंड विच इज फुल ऑफ वाटर, पॉजिटिव अप्स एंड डाउन्स ऑन द ग्राउंड, मोर रिवर्स फॉलोइंग इन द एरिया, एक्सेस रेनफॉल, सॉफ्ट कोल्ड विंड होती है, फुल ऑफ हाई माउंटेन्स एंड ट्रीज, पर्सन पजेस सॉफ्ट एंड टेंडर बॉडी, वेल बिल्ट एंड सफर फ्रॉम कफ एंड वात विकार। देश परीक्षा का अपने आप में बहुत अधिक महत्व है, ये जानना बहुत जरूरी है कि वह जो आतुर है वो किस देश का निवासी है, उसी के आधार पर हमें समझ सकते हैं कि उसमें प्रमुख रूप से किस प्रकार की चिकित्सा करना सफल होगा, किस प्रकार जो है हमें क्या पैटर्न जो है वो अपनाना चाहिए, किस हम उस पर युक्ति लगा सकते। फिर जंगल देश की बात आती है, दिस लैंड इज ड्राई, पजेसेस फ्यू ट्रीज, मिनिमम रेनफॉल, हॉट विंड एंड इट्स पर्संस ऑफ सफर फ्रॉम वात एंड पित्त विकार। और फिर जो है साधारण देश, द लैंड इज जस्ट कोल्ड, रेन, हीट एंड विंड इन ए मॉडरेट मैनर, वात पित्त कफ दोष इन देयर नॉर्मलसी, इसलिए इनको जो है हम सम साधारण देश भी कहते हैं। इन द लास्ट वी कंक्लूड दैट अगर हम आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से यदि हम परीक्षा कर रहे हैं और ट्रीटमेंट के लिए सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो हमारे आयुर्वेद में हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और उसको हम नकार नहीं सकते। इन आयुर्वेद द ट्रीटमेंट वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, इट डिपेंड्स ऑन रोगी बल एंड रोग बल। सो दिस द्वादश परीक्षा इज इम्पॉर्टेंट to acquire complete knowledge of strength of the patient and disease। ये भी कहा जा सकता है जो चिकित्सक ऋतवाग्नि, सातवें आदि का ठीक विचार कर चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होता है, वह विभिन्न रोग समूहों को भेषज रूपी कुठार से नष्ट कर देता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रोगी घोष, बहुत ही अच्छा आपका विस्तृत लेक्चर रहा। क्योंकि जैसा ही बताया कि उससे पहले मैं जो है हमारे एकेडमी के प्रेसिडेंट डॉक्टर पवन सर जुड़ चुके हैं, तो उनको प्रणाम करता हूँ, वो बीच में जुड़ गए थे। नमस्कार सर, मैं भी प्रणाम करती हूँ। नमस्ते रूबी जी। थैंक यू सर, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत बढ़िया सर, आपकी आवाज सुनने को मिली, बड़ा अच्छा लगा। नहीं नहीं, आपकी आवाज सुन रहे थे हम अभी तक, बड़ा अच्छा लग रहा था, अच्छा लगा, मजा आया, बढ़िया रहा, दसवीं परीक्षा रिवाइज हो गई। आज का लेक्चर जो है काफी मतलब व्यस्त लेक्चर था, ये 12 परीक्षा अपने आप में 12 परीक्षाएं अलग अलग परीक्षा का वर्णन करने लेक्चर है होना चाहिए। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल समय अनुसार एकदम सारी परीक्षाओं को जो है समय से एकदम करा आपने, और हर परीक्षा जो है अच्छे से विस्तृत बताई, और विशेष रूप से आपने जो प्रमाण परीक्षा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करा उसका सार परीक्षा का अलग अलग डायग्राम दिखाकर कैसे सार होना चाहिए वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा,
उससे सभी लगता है लाभान्वित रहे होंगे। और बाकी सभी परीक्षाएं जैसे सत्र परीक्षा बताया, खांडे सर से विस्तृत लेक्चर दिया था और शायद हमारी सीरीज का सबसे बड़ा लेक्चर वही था उस समय। पता लगता है कि हर टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। और प्रगति के ऊपर हमारा काम चल ही रहा है सारा, लगातार प्रगति जो है बहुत अच्छे से, मतलब काफ़ी CCRS में भी और सब जगह काफ़ी काम चल रहा है इसके ऊपर, और उन्होंने कुछ परफॉर्मर बनाए हैं, काफ़ी रिसर्च भी करी है, तो वो भी कंक्लूजन पर करीब करीब पहुँच चुके हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत अच्छा लेक्चर आपका रहा। हमारे साथ आज जो है डॉक्टर मयूर दादी जी जुड़े हुए हैं जो हमेशा हमारे सतत जुड़े रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और साथ में हमारे डॉक्टर दिनेश गोयल जी भी जुड़े हुए हैं आज, जो स्कूल में काजिस्या प्रोफेसर हैं, मैडम के हस्बैंड भी हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं जो है सभी, अब ऐसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि द्वादश परीक्षा हमारा 20वां लेक्चर है आज ये सीरीज का, और ये व्याडी सर से रिलेटेड एक बात है कि सर की बुक में चैप्टर जो है ये 20वें नंबर पे ही है। सही सही। और सर ने भी इसको बहुत विस्तृत रूप में नमस्कार तो उसको देखा था, तो वो भी बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में करा। हाँ भागे सर नमस्कार। हेलो। हाँ भागे सर, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी दे रही है। हाँ हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि इतने बड़े वास्ट टॉपिक को आपने इतना कंसाइज रूप में इतने कम समय में बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हेलो। धन्यवाद सर। सर मुझे इंस्ट्रक्शन थे कि 40-50 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। हाँ बागे सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। हेलो। हाँ सर अपने अनुभव शेयर करें। मैडम दो बातें इस विषय में मैं रखना चाहूंगा। जी सर। कि ये भेषज परीक्षा के बारे में जो बोला है शास्त्रों में कि वो तापसाह वनचारिणाह गोपालाह, आप उन भेषज जो परीक्षा है मेडिसिन की परीक्षा, ड्रग की परीक्षा आप उनसे कीजिए, वो भूमि परीक्षा में, और सब्सिक्वेंट चैप्टर में बताते हैं वो। हेलो। हाँ सर आवाज की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ हाँ सब इसी के सब्सिक्वेंट चैप्टर जो है 36 नंबर का। जी बिल्कुल। तो उसमें वो बताया है। एक और बात है कि आप पहली स्लाइड पे जाएंगे क्या प्लीज? आपकी पहली स्लाइड। हाँ हाँ जरूर सर। एक ये सर बैक जा नहीं रहा है। मैम आप इसको एस्केप का बटन दबाइए और फिर फर्स्ट स्लाइड पे। ओके एस्केप तो मैंने दबा दिया। कंट्रोल होम करोगी तब भी जाएगा। कंट्रोल होम कर लिए। कंट्रोल होम सर पीछे बैक जाइए। बैक एस्केप करके मैं सारा कुछ कर रही हूं। एस्केप भी कर लीजिए सर। आप वाकई सर ऐसे ही बता दीजिए। ऐसे ही बताइए सर। याद है ठीक है कोई बात नहीं। एक बार आपके स्क्रीन पे क्लिक कीजिए मैडम। अभी वो स्क्रीन पे आया नहीं है वो। और फिर अब आप जाइए। ओके। अब एस्केप कीजिए। अब एस्केप करूं? अब या एस्केप कीजिए, एक बार क्लिक कीजिए। एस्केप कर दिया। क्लिक। अब आप जाइए फर्स्ट स्लाइड पर, फिर से स्क्रीन शेयर कर दीजिए। फर्स्ट स्लाइड पे फर्स्ट फर्स्ट ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। पीडीएफ ओपन किया। कोई बात नहीं मैडम, अगर नहीं हो रहा हूँ तो सर ऐसे ही बताइए। याद तो है हमें स्लाइड सारी।
आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट स्लाइड में टाइटल ही तो होगा। हाँ और क्या, टाइटल और इसके जो कंपोनेंट्स है द्वादश परीक्षा की। जी 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 आप दिखाएंगे तो थोड़ा सा बेटर होगा। ठीक है, नहीं होता होगा तो ऐसे बोल देते। इसको बैक थोड़ा और कर, थोड़ा बैक कर लीजिए, चार पांच स्लाइड तो आ जाएगा आपको। थोड़ा और बैक कर लीजिए। ये पहली स्लाइड। हाँ नेक्स्ट, यहाँ पे। हाँ हाँ नेक्स्ट, यहाँ पे आप शायद नीचे वाली परीक्षाओं में बात कर रहे हैं। नीचे वाली जो परीक्षा है जी जी, इसमें आयु, व्याधि, अग्नि, वय, ऋतु, देह, बल, सत्व, सात्म्य, प्रकृति, भेषज और देश। हाँ। और आपने इसमें अभी सार परीक्षा बताई बहुत डिटेल में। जी हाँ। यदि सार परीक्षा इसमें मिलाई जाए तो फिर तो 13 हो रहे मैडम। नो सर, वो दैट इज दैट परीक्षा कम्स अंडर द आयु परीक्षा। सर आयु परीक्षा की जब मैंने बात की तो मैंने कहा कि आयु परीक्षा दीर्घायु, मध्यम आयु, अल्प आयु की बात हुई, वो सारे बताए। उसके बाद उन्होंने फिर पुनः बताया आचार्यों ने कि आयु को जानने के लिए आपको पुनः प्रमाण और सत्व के बारे में भी प्रमाण और सार के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप पूर्ण रूप से आयु के बारे में जान पाएंगे। देखिए मैं बताती हूँ सर, एक सेकंड। ये अथ पुनरायुषो, अथ पुनरायुषो विज्ञानार्थ, मतलब अंग प्रत्यंग के प्रमाण और सार के बारे में भी जानना आवश्यक है। ठीक है ना, आयु के ही बारे में जानने के लिए ये जो प्रमाण और जो सार मैंने बताया आपको, ये सब आयु के अंतर्गत ही आ रहे हैं। आतुर का बल और आतुर की आयु जानने के लिए ही किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये 13 या 14 नहीं होते हैं। मैं ये और पूछना चाहता हूँ कि आचार्यों ने यहाँ प्रकृति परीक्षण नहीं बताया है, यहाँ उसके बजाय सार परीक्षण बताया है। हाँ, तो क्या उनको उनको अपेक्षित क्या था यहाँ पे, कि क्या प्रकृति परीक्षण के जगह उन्होंने सार परीक्षण को इसमें कंसिडर किया है, प्रकृति को नहीं किया है? नहीं नहीं सर, प्रकृति की परीक्षा उन्होंने बताई है, लेकिन उन्होंने कहा दूसरी जगह उन्होंने प्रकृति का वर्णन कर दिया। प्रकृति परीक्षण शारीर स्थान में बताया है और भेषज परीक्षा सूत्र स्थान लास्ट चैप्टर में बता दिया। तो यहाँ पर उन्होंने जब आत्मोपक्रमणीय अध्याय का वर्णन किया तो वहाँ पर इन्होंने इस चीज का डिटेल नहीं बताया। ऐसे तो उन्होंने यहाँ पे इन्होंने जो जो परीक्षा की ना उसमें अगर जो डिटेल वर्णन नहीं किया है तो उसका उन्होंने उल्लेख किया है कि वो मैंने ये जो है ये भूमि परीक्षा में बता दिया है, ये वहाँ बता दिया है। ऐसा प्रकृति के बारे में आया नहीं है एक बार। नहीं सर, प्रकृति के बारे और में अगर आयु आयु परीक्षा के लिए हम देखते तो ज्योतिष, ज्योति है, सामुद्रिक है, अरिष्ट लक्षण है, ये इससे हम आयु परीक्षा लेते हैं। तो ये सवाल मेरे सामने भी था जब मैं ये इसको द्वादश में गिनना, एकादश में गिनना कि त्रयोदश में गिनना। तो मैं भी इस मामले में ये था कि क्योंकि प्रकृति अब इसमें अब लड़कों को ये बताना कि प्रकृति की जगह सार है, सार को यहाँ उन्होंने किया है, तो फिर बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई प्रकृति तो हमको अलग बताई है। नहीं सर, प्रकृति के लिए वो प्रकृति का वातपित कब ही हमको बताना है और सार को ऐड कर देते हैं तो फिर वो 13 हो जाती है। हालांकि ये नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बात यह हुई है कि थोड़ा सा नंबरिंग का जो है ना यहाँ पे एक इश्यू है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। परीक्षाओं में तो हम लोग सब दसवीं परीक्षा में पढ़ते हैं कई चीजें तो हाँ वो तो पढ़ते हैं। नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, मुझे नहीं पता सर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे दिमाग में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ बैडी सर क्या कहना चाह रहे हैं? रूबी मैडम एकदम सही कह रही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं है। नहीं नहीं हाँ सर, आयु परीक्षा के अंतर्गत ही उसने प्रमाण और सार को डिस्क्राइब किया, उसने जस्टिफाई भी किया मैंने इसके अंतर्गत क्यों किया। बिल्कुल सर। दूसरी बात ये कि जो सा हमने इसलिए चरकोक्त प्रसिद्ध परीक्षा का लोगों ने बहुत ज्यादा जिक्र करते थे, सुश्रुतोक्त द्वादशोक्त परीक्षा का लोगों ने जिक्र ही नहीं करते थे। इवन देन सुश्रुतोक्त द्वादशोक्त परीक्षा के अंतर्गत वर्णन जितना भी बढ़िया किया गया है एक एक कंपोनेंट को बहुत अच्छे से बताया गया। इवन देन जैसा कि अग्नि परीक्षा को जितना सुश्रुत ने अच्छा वर्णन किया है उतना चरक में नहीं है, उसने अव्यवर्ण शक्ति जर्ण शक्ति के अंतर्गत सूत्र रूप में बता दिया, मगर सुश्रुत ने उसको डिटेल रूप में बता दिया कि नहीं ये तो समाग्नि कैसा होना चाहिए, विषमाग्नि कैसा होना चाहिए, मंदाग्नि कैसा होना है, तीक्ष्णाग्नि और अत्यग्नि का भी लक्षण जो है स्पेसिफिकली उसने बता दिया। तो ये सुश्रुत का द्वादश विध परीक्षा का समझना बहुत ही अति आवश्यक था,
तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे किताब में उसको अलग से चैप्टर बना के डिस्क्राइब किया था ताकि ये लोगों ने सब चीज इसको समझने का कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस में कुछ कंपोनेंट इसके बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि ताकि इसको प्रैक्टिस में ये करने में मदद कर सके। उस स्लाइड में रूबी मैडम एक चीज मैं थोड़ा सा आपसे ये कर रहा था, एक मतलब सजेशन या रिक्वेस्ट मान लीजिए, उसमें जैसा कि द्विविध त्रिविध चतुर्विध पंचविध षड्विध और अष्टविध स्थान निरीक्षण वो है रोगी रोग परीक्षा का है, जो चरकोक्त दशविध और शुक्रोक्त द्वादश परीक्षा जो रोगी बल और रोग बल ज्ञानार्थ है। दिस टू एग्जामिनेशन चुनौती रोगी बल और रोग बल को है, थोड़ा सा सेपरेट हेडिंग हो जाता तो थोड़ा सा और मतलब क्लियर हो जाता। आपने तो लेक्चर में तो क्लियर आपने बताया है, मगर वो हेडिंग में क्लियर रहता तो थोड़ा सा एक अच्छा हो जाता। अदरवाइज आपने प्रयास अच्छा किया है और बढ़िया से आपने कवर करने की कोशिश किया हर चीज को, जो सुश्रुत ने जो वर्णन किया है उसको वो करने के लिए। तो वाकई में आपकी लेक्चर बहुत अच्छा रहा। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू मैडम फॉर रिफ्रेशिंग द सुश्रुत द्वादश विध परीक्षा। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं पवन सर को निवेदन करूंगा कि वो समीक्षा के लिए अपना वक्तव्य दें। सर विवेक जी, आपको बधाई हो, आप बड़े अच्छे अच्छे जेम्स को ढूंढ के ला रहे हो अपने वक्तव्य के लिए। बैडगी सर से अब इस विषय पे अपन फिर से कभी बात करेंगे अलग से, जो मेरे मन में बहुत दिनों से है कि ये वागे सर सुन रहे हो क्या आप? सुन रहा हूं सर। आपकी भी सलाह चाहिए इस मुद्दे पे विशेष रूप से कि हम ये सुश्रुतोक्त द्वादशविध और चरकोक्त दशविध इससे थोड़ा सा हमने अब ऊपर उठना चाहिए। मैंने सार परीक्षा जब रेफरेंस दे रहे हो तो आप फिर से चरक पे ही जा रहे हो, चरकोक्त तो सार परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमारी तो परीक्षा होनी चाहिए एक टाइटल बड़ा चैप्टर। तो हम एक सोच रहे हैं ना आगे कि अपने परिषद की जो किताब बनेगी उसमें रेफरेंसेस हो, एक मैंने जिसको कहते हैं फुटनोट्स हो, अलग से स्क्वेयर हो, साइड बार्स हो कि सुश्रुत ने ऐसा बताया है। लेकिन परीक्षा बच्चों को क्यों कंफ्यूज करनी है, हमको हमारे सिस्टम को हम कंफ्यूज कर रहे हैं। मेथोडोलॉजी थोड़ी बहुत उसीलिए प्रश्न उठाया था सर मैंने। मैं वही कह रहा हूँ कि इसका भी मैंने इंटीग्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं बड़े लेवल पे तो हम पहले इंटरनल इंटीग्रेशन तो करें कि परीक्षा की बात करें, द्वादशविध की भी बात करें, तो लेकिन परीक्षाएं एक जैसी हो, सार परीक्षा हो, क्योंकि मेथोडोलॉजी कंपोनेंट्स में प्रकृति परीक्षा तो बताई मगर प्रकृति परीक्षा वहाँ डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है ना कि ना ही वह भूमि के जैसा बताया कि भेषज वगैरह कहाँ मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया, तो ऐसा प्रकृति के बारे में नहीं बताया कि मैंने वहाँ डिस्क्राइब किया चारिस्तान में। वही कहना चाह रहा हूँ कि आतुर की परीक्षा है पवन सर, आयुष और सुश्रुत में किसी प्रकार का कोई मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, चरक ने भी कहता है कि ये नहीं है ना, मैं कब कह रहा हूँ है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, मैं कब कह रहा हूँ यार, सही बात है। ये जब कंपाइलेशन और हिस्टोरिकल जब हम बात करते हैं तो सिद्धि स्थान से लेके उल्टा आते हैं जब सूत्र स्थान तक, दशविध परीक्षा के चरक में तीन अलग अलग रेफरेंसेस मिलते हैं हमको, तो ये सब सिमेंटिक्स के लिए अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग नो, हिस्ट्री में भी चाहिए, पर इसको साइड बार्स में डालना चाहिए अब हमने, जैसे हैरिसन में या इसमें आते हैं ना अलग किताबों में रॉयट्स की इम्यूनोलॉजी में हम देखते हैं, तो हिस्ट्री आती है फुटनोट्स में, एक बॉक्स में आती है सेपरेट ग्रे कलर के शेड में, तो जिसको वो पढ़ना है वो भी पढ़े, लेकिन मुख्य मुद्दा हमारी मेथोडोलॉजी का है जो आज बड़े अच्छे से बताया रूबी मैडम। सर नंबरिंग का ही है और इसकी खासियत यह है कि द्वादश परीक्षा की इसने जो इन्होंने जो देह परीक्षा बताई सर, वो देह परीक्षा की वो जैसे मॉडल ने स्टार्ट किया है कि पेशेंट सी पेशेंट वेदर ही इज थिक बिल्ड थिन बिल्ड और मीडियम बिल्ड, उसी थिक फ्रेम मीडियम फ्रेम और स्मॉल थिन फ्रेम, इसी हिसाब से उन्होंने हाइट वेट डिसाइड किया है। चरक की जो आतुर की परीक्षा है शरीर की, आतुर देश की, वो देश परीक्षा में चरक ने भूमि परीक्षा में लिया है उसको चरक ने, सुश्रुत की भूमि परीक्षा एंटायरली डिफरेंट है। ये वाली चीजें सिमेंटिक्स के लिए जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कर रहा हूँ कि हमारी मेथोडोलॉजी पे हम एक हो। अब ये समय आ गया है कि हमारी टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री के प्रश्न ना हो, हिस्ट्री पे प्रश्न हो, यानी पेशेंट हिस्ट्री पे। हम लोग यही गलती करते या इसी पे हमारा फोकस थोड़ा सा पेरिफेरी पे चला जाता है
और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है इसके लिए, वो आयु परीक्षण का अपने अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि उसमें शारीरिक लक्षण भी उन्होंने दिया, सार लक्षण भी दिया, प्रमाण भी दिया, वो सारा कंसिडर करके आपको पेशेंट आप, की आयु कितनी शेष है वो आपके आपके इंटरेस्ट के लिए उसमें ज्योतिष लक्षण भी है, ज्योतिष लक्षण भी है उसमें और ज्योतिष नहीं, ज्योतिष के लक्षण यही है कि वो बृहत संहिता में उन्होंने कुछ नहीं, आपको ऐसा होता है कि कुछ पार्ट आयुर्वेद ने ज्योतिष से लिया है और कुछ पार्ट ज्योतिष ने आयुर्वेद से लिया है, तो उन्होंने वो अपने ही शारीरिक लक्षणों का उल्लेख उन्होंने उसके लिए डिसाइड किया है। चरक में भी आयु का परीक्षा का अलग से वर्णन है, कितना बच्चों का आयु किसका बल मतलब ज्यादा होती है, किसका कम होती है, किसका अल्पायु होती है, तो चरक ने शारीरिक स्थान में अच्छे से वर्णन है उसका, उसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है आयु का, वो चरक का और उसका थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। करते हैं हम इस पे अलग से परिचर्चा, सेकंड एडिशन आ रहा है क्लिनिकल मेथड्स का, उसमें ये सारा पॉइंट मैंने क्लियर किया है आयु के लिए, बहुत से पूरे फोटोग्राफ्स के साथ उसको अलग से ही ये दिया हुआ है इस बार इम्पोर्टेंस, चलो देखेंगे आप सब विद्वत लोगों के सामने। धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद विवेक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सारे, अतुल जी और ये अपनी ये जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए सभी लोगों को साधुवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सभी को, नमस्कार अवध सर, अतुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस महीने कोऑर्डिनेशन में मौका दिया। अब अगले माह की जिम्मेदारी जो है डॉक्टर गणेश कोहली की रहेगी, वैसे तो टेक्निकली हमारे सपोर्ट में रहते ही हमेशा ये, लेकिन अगली बार डबल ड्यूटी है, ये टेक्निकल हमारे एक्सपर्ट भी रहेंगे और कोऑर्डिनेटर भी रहेंगे, तो आपका जो है शुभकामनाएं आपके लिए। और बाकी जो है मैं इस कोऑर्डिनेशन में अगर किसी को कोई मेरी बातों से कुछ आहत हुए हों तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और बाकी सभी स्पीकर्स का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे निवेदन पर जो है यहाँ आना स्वीकार करा, और बहुत ही अच्छे सभी लेक्चर्स आए और सभी ने दिए, और आशा है सभी इससे बहुत लाभान्वित रहे होंगे। और अंत में एक सूचना और देना चाहूँगा कि कल 11 बजे हमारी जो है एकेडमिक रोग निदान की जो हर माह मीटिंग होती है वो भी है, तो सभी से निवेदन है कि उसमें शामिल हों जिससे कि आगे की नई योजनाएं बन सकें और नए क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए भी हम विचार रखें। तो सभी का हार्दिक धन्यवाद, और व्याडगी सर, बागे सर हमेशा जुड़े रहे शुरू से ही, उनका हार्दिक धन्यवाद। व्याडगी सर, हाँ सर, पिछले मीटिंग में आप नहीं थे, इस बार आ जाइए। आज इसीलिए मैंने जो है पहले मैसेज कर दिया मीटिंग में। वागे सर को विशेष आमंत्रण, ठीक है, बाकी आईडी आ जाएगी सर, तो सभी लोग ज्वाइन करें। बिल्कुल धन्यवाद, वैसे गूगली तो ये भी थी कि पिछले बार मैं ही जुड़ नहीं पाया था। अरे आप तो बिजी रहते हैं। बिजी कुछ नहीं, दूसरे इंटरनेशनल फिगर है सर, कल आप दोनों आशीर्वाद ले रहे हो 11 बजे? मैं ही नहीं, कल मिलते जरूर। ओके सर, चलिए बैठ गई सर, धन्यवाद सर, नमस्कार, चलिए जी एंड कर दीजिए।